क्वेश्चन बहुत इजी आया करता था, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, टू बॉडी हैव द टू बॉडीज विच हैव काइनेटिक एनर्जी इन द रेशियो, काइनेटिक एनर्जी का रेशियो दिया हुआ, मतलब पहले बॉडी का जो काइनेटिक एनर्जी E1 है और दूसरे बॉडी की काइनेटिक एनर्जी E2 है, तो वो 4:1 है, ऐसा कहा जा रहा क्वेश्चन में, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी, बट उनकी मोमेंटम इक्वल है, तो रेशियो मासेस, मोमेंटम इक्वल है, मोमेंटम पहले वाले के दूसरे वाले की इक्वल है। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम? वी ऑलरेडी नो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू P² / 2m, ठीक है। तो बहुत आसान है, मोमेंटम इक्वल है तो काइनेटिक एनर्जी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। इसका मतलब अगर मास का रेशियो निकालना है तो मास ऑफ m1 मास ऑफ m2 इज इक्वल टू E2/E1। E2/E1 मतलब 1/4, ठीक है। तो 1:4 इसका सही है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर मासेस? 1:4, दैट इज डी ऑप्शन इज द करेक्ट, ठीक है। आ गया समझ में, आसान था।